पर कनेक्शन में अब हम बात करेंगे SIS लिमिटेड के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी। मार्जिन ग्रोथ में जो दबाव रहा है उसके पीछे क्या वजह है, कैश लॉजिस्टिक्स सेगमेंट से आय को कितना सपोर्ट मिल रहा है, आगे कैपेक्स को लेकर कंपनी की योजना क्या है, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ SIS लिमिटेड के CEO धीरज सिंह जुड़ गए हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। Q3 मार्जिन्स में हमें ग्रोथ काफ़ी स्टेडी दिखाई दी है, लेकिन ये बताएं कि इसके पीछे किस तरह से अब आपकी प्लानिंग है प्रॉफिट ग्रोथ को आगे बढ़ाने को लेकर, योजना बताएं। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा, ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। हम सिक्योरिटी बिजनेस में 20% ग्रो किए हैं पिछले साल के मुताबिक, और फैसिलिटी मैनेजमेंट और कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस में 35% से भी ज्यादा हमारा ग्रोथ किया हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इवन क्वार्टरली ग्रोथ पे ग्रुप में हम 3.5% के करीब हमने ग्रो किया है। इसके साथ में अगर आप हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो करीब 346 करोड़ हुआ है, और उस बेसिस पे हमारा अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो वो ₹26 है एनुअलाइज, जो कि ₹22 था FY22 में। और जो हमारी फोकस है मार्जिन साइड में, हमारी मार्जिन इंडिया की बिजनेस एबिटडा हमारी ग्रोथ हुई है करीब 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सिक्योरिटी में 3.5% ग्रो हुआ है, इंटरनेशनल में भी, इंडिया में भी, और फैसिलिटी मैनेजमेंट में और कैश बिजनेस में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% एबिटडा ग्रोथ हुआ है। धीरज, ये बताएं कि फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट और मार्जिन इम्प्रूवमेंट के पीछे आखिर क्या वजह रही है, और ये क्या सस्टेनेबल है? बिल्कुल, अगर आप हमारे पहले कोविड के आसपास के सालों में देखें तो हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट 5.5-6% कंटिन्यूसली करती थी। पिछले 1-2 क्वार्टर से हमने कहा था कि ये टेम्पररी डिप्रेशन है मार्जिन में, तो ये क्वार्टर फैसिलिटी मैनेजमेंट 4% से 4.4% हुआ है, और अगले 1 साल में ये कंटिन्यूसली ग्रो होगा। इस पे काम किया जा रहा है, ग्रॉस मार्जिन साइड में भी, ओवरहेड साइड दोनों। धीरज, ये आज के बताएं टाइम में कि फैसिलिटी मैनेजमेंट हम इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी हो गए हैं। हमारा मार्च रन रेट 175 करोड़ का था, तो उस बेसिस पे भी अब हम लार्जेस्ट कंपनी है। 500 करोड़ से ज्यादा पहली बार हमने किसी क्वार्टर में फैसिलिटी मैनेजमेंट में बिजनेस किया है इस क्वार्टर। ये बताया, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने काफ़ी भरोसा दिखाया था कि इंडिया के सिक्योरिटी बिजनेस में आप मार्केट शेयर डबल करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। ये इरादा कितना मजबूती से आगे चल रहा है? बिल्कुल, इरादा अभी भी उतना ही अटल है, और अगर हम इस साल भी देखें तो करीब हमने 1,000 करोड़ ऐड किया है सिक्योरिटी बिजनेस में। इंडिया में जो top 3 सिक्योरिटी कंपनीज हैं उसमें एक हमने नई सिक्योरिटी कंपनी बना दिया है 1 साल में ग्रोथ के हिसाब से, तो ये ग्रोथ कंटिन्यू होगा। ओवरऑल कंट्री GDP के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, हमारी मार्केट शेयर बढ़ रही है, मिनिमम वेज रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमारा ये ग्रोथ अभी कई सालों तक बरकरार रहेगा। धीरज, कैश लॉजिस्टिक सेगमेंट की बात करें तो इसकी जो टर्न अराउंड स्टोरी रही है वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये बताएं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है? तो इस साल हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू किया है 540 करोड़ का कैश बिजनेस में। दुर्भाग्य से ये हमारे बिजनेस में कंसोलिडेट नहीं होता है क्योंकि हमारी शेयर होल्डिंग 50% से कम है इसमें फिलहाल, बट इनकी अगर एबिटा भी देखें आप, इस लास्ट क्वार्टर में 25 करोड़ की एबिटा हुई है जो कि करीब 16% से ज्यादा है। तो मार्जिन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, एबिटा के हिसाब से, ये सभी मापदंड पे ये काफी आगे से चल रही है। इसका एक कारण ये है कि हम धीरे धीरे बैंक आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, बैंक आउटसोर्सिंग एंड सपोर्ट सॉल्यूशंस के द्वारा। तो ये सिर्फ ATM डिपेंडेंट नहीं है, अब ये हम ओवरऑल जो बैंक की ग्रोथ होती है उसके हिस्सेदार हो रहे हैं। इन ऑर्गेनिक प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई डील्स जो पाइपलाइन में है और जो हमारे साथ आप साझा कर सकें? इनऑर्गेनिक हम हमेशा देखते रहते हैं, बट हम उन्हीं डील्स पे प्रोग्रेस करते हैं जो हमारे मापदंड को मीट करता है। फिलहाल इस समय
तीन ऐसे डील्स हैं जो टर्म शीट के आगे बढ़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम अगले एक क्वार्टर में उनकी अनाउंसमेंट कर पाएंगे। आउटलुक कैश फ्लो जनरेशन को लेकर क्या होगा? कैपेक्स प्लान्स आपके कैसे हैं आने वाली तिमाहियों के लिए? अगर हमारी OCF टू एबिटडा रेशियो देखें Q4 में तो 145% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में, ये पिछले साल के क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में ये करीब 95% था। तो कैश कलेक्शंस काफी इंप्रूव हुआ है। ये हमारा DSO भी 66 से 64 डेज हो चुका है। इस बेसिस पे हमने नेट डेट भी जो है अपना नेट डेट टू एबिटडा उसको घटा के 2.1 से ये 1.75 हो चुका था। अभी इसी हफ्ते हमने 82 करोड़ और लोन रीपे किया है, जो अब ये 800 करोड़ से नीचे डेट आ चुका है और 1.55 रेशियो है। हम इसको कंटिन्यूसली और मॉनिटर करेंगे। हाई इंटरेस्ट रेट जहां होगा हम वहां पे डेट उसको वापस रिटायर करेंगे। कैपेक्स जो हमारी है वो ज्यादा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी के बिजनेस में है और वहां पे रिटर्न काफी अच्छा है। शुक्रिया धीरज, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं निमेश ठाकर, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। निमेश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। SIS लिमिटेड के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, बताएं आप किस तरह की कॉल्स देना चाहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, SIS की अगर बात करें तो कंपनी का अगर 2016 से 2020 तक का एक गोल्डन पीरियड था, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की थी और प्रॉफिटेबिलिटी में कम से कम 3.5 गुना, जब 2016 का उसका अगर आप प्रॉफिट देखिए तो अराउंड 100 करोड़ के आसपास था, जो 2021 के अंदर रफली 500 के आसपास, 500 का नेट प्रॉफिट जो है ग्रोथ हुआ था, 500 CR का। तो ऑलमोस्ट एक हाई ग्रोथ पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, ऐसा अभी तक बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से अगर आप देखो 2021 के बाद, तो कंपनी है ग्रोथ में स्ट्रगल कर रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही और स्टेग्नेंट हो रही है। करंट लेवल से अगर देखें तो मुझे लगता है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है और वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल भी बना है, तो एक छोटा बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखें तो जब तक ग्रोथ रिटर्न नहीं होती कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर, तब तक कोई बड़ा ग्रोथ प्राइस के अंदर दिखे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो और करंट मार्केट कंडीशन के अंदर देखें कि निफ्टी अभी 18,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करी, लेकिन काफी कंपनीज है, अच्छी कंपनी जो ग्रोथ डिलीवर कर रही है उसके भी वैल्यूएशन काफी चीप हो चुके हैं और काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म लिहाज से अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी अवॉइड करना चाहिए, टेक्निकल बाउंस बन सकता है। और अभी मैं फ्रेश बाइंग करंट लेवल से एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से करने का कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ अभी।